नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गिनी एंड बनी में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह और आज हम बात करेंगे प्रेग्नेंट गिनी पिग पे। हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जो प्रेग्नेंट गिनी पिग होते हैं उनके डाइट पे या खसाव पे एक वीडियो बनाइए, तो आज हमको मौका मिला है वीडियो बनाने पर। हमारे पास प्रेग्नेंट गिनी पिग है ही, ये बच्चे देने वाली हो, दो चार या दस दिन में बच्चे देंगे, मतलब बहुत ज्यादा टाइम होगा तो हफ्ता भर होगा। तो हम बात करेंगे कि इनको क्या क्या खिलाया जाए। पहले बात करेंगे कि कैसे पता करें कि आपकी गिनी पिग जो है, अगर आपको मेल और फीमेल पता है तो आपकी फीमेल जो है वो बच्चे देने वाली है। पहला होता है कि जब वो बच्चे देने वाले मतलब प्रेग्नेंट होती हैं तो पानी और खाना ज्यादा खाने लगती हैं, मतलब अपना वजन बढ़ाती हैं, तो उससे आप श्योर हो सकते हैं। या बहुत से लोग वेट उनका मतलब रोज का रोज उनका वेट चेक करते हैं कि कितना उनका वेट है, उससे ही पता हो जाता है कि वो बच्चे देने वाली है। अगर आपके केज में बहुत सारे गिनी पिग हैं, मेरे पास तो 8 हैं, तो जब बच्चे देने वाली उनका पेट निकल आया जाए, जैसे ही गिनी पिग का पेट आपको दिखने लगे कि निकल आया है, तो अगर दो आपके पास दो है मतलब पेयर है, ये सिंगल पेयर है, तो आप उसको साथ में रख सकते हैं। अगर ज्यादा है 6-7 या 8 हैं जैसे मेरे पास है, तो उनको आप जो बच्चे देने वाली मतलब जो फीमेल है उसको आप सेपरेट केज में रखते हैं ताकि उसको दिक्कत ना हो। और पहली बार जो वो टॉयलेट करते हैं बिल्कुल केज क्लीन होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, मतलब आप दो गर्मी है तो दिन भर में 3 या 4 बार उनको पानी चेंज करें ताकि पानी ठंडा हो। और खाना उनके पास हमेशा पर्याप्त उपलब्ध होना चाहिए। ये देख सकते हैं रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पेट्रॉप पे लगभग जनरली सारे पेट्रॉप पे मिल जाता है। ऑनलाइन आप गिनी पिग फूड सर्च करेंगे किसी भी वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा आपको। घास हरी घास खाते हैं या जितने सेलेक्ट होते हैं उनको भी खाते हैं, ककंबर भी आप उनको खिला सकते हैं। और जब ये बच्चे दें उसके बाद लगभग उनको 50 दिन सेपरेट केज में रखना होता है। नहीं तो होता क्या, गिनी पिग जो बच्चे देते हैं उसके तुरंत आधे घंटे बाद ये फिर से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उससे इनकी सेहत पे बहुत दिक्कत होती है। और ये कभी मोटे नहीं हो पाते हैं, दुबले पतले से रहते हैं, इसी कारण से बीमार भी हो जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए हम जो रखे हुए हैं उनके साथ यही करते हैं कि जब वो बच्चे दे देते हैं तो उनको लगभग जब तक उनके बच्चे एडल्ट ना हो जाएं तब तक उनको अलग ही रखते हैं, मतलब 2 या 3 महीने तक या 1.5 महीने तक उनको अलग रखते हैं। अगर आप भी अगर रखे हुए हैं तो इसका ध्यान रखिए, नहीं तो आपके गिनी पिग के सेहत पे असर होगा। जैसे देख सकते हैं ये हमारी फीमेल है, ये फर्स्ट टाइम बच्चे देने वाली है, ये जो मिनी है जो हमारे सबसे पहले वाले पेयर थे मिनी जो उसकी बेटी है, ये पहली बार बच्चे देने वाली है। अगर जैसे हमने बताया कि कैसे फाइंड किया जाए कैसे रखा जाए, और ये जो बच्चे देते हैं उसके बाद भी आप 2 या 4 दिन तक ब्लड निकलता है उसको आप साफ किया करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे देते हैं तो 2-4 दिन तक 10 दिन तक आपको देखना है, उनको साफ रखना है ताकि घाव या कुछ ऐसा ना हो, गंदगी से वो बीमार ना हो। और जब वो बच्चे देने वाली हो या बच्चे डिलीवर करने से पहले उनको आप अगर जो पेट निकल आया उसके बाद आप उनको छोड़िए, घूमने दीजिए, यानी घूमे उनको आप ये नहीं कि छोड़ दें उसके बाद दौड़ाएं उनको ताकि वो दौड़े, उसके लिए दिक्कत होगी, घूमे आराम से बाहर निकालें उनको आप अंदर घुमा सकते हैं। और जो भी जानकारी आपको लेनी हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।